तो आप सभी को भाई जय। तो आप सबको बता दूं, यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल की तरफ से आप सबके लिए जो गुड न्यूज है वो यहाँ पे निकल के आ चुकी है। आप सबको बता दूं कि आपके जो फॉर्म एडिट का ऑप्शन है वो यहाँ पे खुल के आ चुका है। इससे क्या होगा कि अगर आपने फॉर्म लगाते समय कोई भी गलती की है तो आप उस गलती को इस समय ठीक कर सकते हैं, जिससे आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपने कोई भी गलती की है, अगर आप इस समय उस गलती को ठीक नहीं करते हो तो आपका फॉर्म यहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप आज ही अपना जो फॉर्म है वो यहां पे लेके जाएं, किसी भी इंटरनेट वाली शॉप में जाएं, यानी कि इंटरनेट कैफे में जाएं, उनको बोलें अगर आपका नाम का स्पेलिंग गलत है, जब आपने फॉर्म लगाया था उस समय अगर आपका नाम का स्पेलिंग गलत हो गया है, या आपका फादर नेम गलत हो गया, कुछ भी अगर गलत हुआ है, तो आप किसी भी इंटरनेट कैफे पे जाके, इंटरनेट वाली शॉप पे जाके अपना जो अपनी जो गलती है उसको ठीक यहां पे करवा सकते हैं। फॉर्म एडिट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे ओपन हो चुका है कल से, ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं। इसके अलावा आपको बता दूं, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे पास आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पूरे 30 पीडीएफ आ चुके हैं, जिनमें आपको 3000 प्लस क्वेश्चन विद आंसर मिलेंगे, जिसमें हम आपको 70% बाई गारंटी भी देंगे कि 70% जो क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में आपको हमारे इन्हीं 30 पीडीएफ में से आएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसका जो प्राइस है ओनली 280, यानी कि 30 पीडीएफ का टोटल जो प्राइस है वो सिर्फ हमने 280 रुपया रखा है। अगर आपको ये पीडीएफ लेने हैं, जो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अभी हमें मैसेज करिए। जैसे आप हमें मैसेज करेंगे मैं आपको पेमेंट वाला नंबर दूंगा, आपने 280 पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे आप मुझे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसी टाइम 2 मिनट के अंदर जो पीडीएफ है वो आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए तो आपको पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, अगर आपको पूरे हिंदी लैंग्वेज में चाहिए तो आपको पूरे हिंदी लैंग्वेज में यहां पे मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।